बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक इक्वेशन जिसको हमें x के लिए सॉल्व करना है, इसमें से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहली टर्म है 2^2x माइनस 3, ये पॉइंट नहीं है बल्कि मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मल्टीप्लाई बाय 2^2x प्लस 2। ये जो 2^2x प्लस 2 है, इसको हम एक्सपोनेंट ला इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, जो कि ये है कि a^m + n हो तो उसको लिखा जा सकता है a^m मल्टीप्लाई बाय a^n। तो यही टर्म हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2^x मल्टीप्लाई बाय 2^2 प्लस 32 इज इक्वल टू 0। और अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2^2x माइनस 3 2^x मल्टीप्लाई बाय 4, ये 2^2 इज इक्वल टू 4 प्लस 32 इज इक्वल टू 0। अब ये 3 और 4 मल्टीप्लाई होने के बाद कितना हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 2^x, और ये वाली टर्म 2^2x ऐसे ही आ जाएगी और प्लस 32 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस की जा सकती है कुछ इस तरह से कि अगर हम सब्स्टिट्यूशन कुछ इस तरह से कर लें कि y इज इक्वल टू 2^x और दोनों तरफ स्केयर करने से y स्केयर इज इक्वल टू 2^x एंड इट्स स्केयर। तो क्या बन जाएगा, ये y स्केयर इज इक्वल टू 2^2x। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें तो ये सारी वैल्यू इस इक्वेशन में रिप्लेस कर दी जाएंगी कुछ इस तरह से कि 2^2x किसके इक्वल है, वाई स्केयर। तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, वाई स्केयर माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 2^x को हमें वाई के इक्वल सपोज किया हुआ है, तो ये वाई और प्लस 32 इज इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कंप्लीटिंग स्केयर से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं और इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन इसकी बहुत इजी है, इसलिए हम इसके ऊपर फैक्टराइजेशन मेथड ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बनता है, इस फैक्टर को इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 32y², और यहाँ पर जो टर्म है वो है -12y। तो -12 को हम -8y और -4y में ब्रेक कर लेंगे, जब इनको ऐड करेंगे तो यही बनेगा -12y और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 32y² बनेगा। तो बाकी जो है y स्क्वेयर और प्लस 32 इसी फॉर्म में आ गई। और अब इससे जो पहली दो टर्म हैं इनमें से हम y को कॉमन ले लेते हैं, y माइनस 8, और दूसरी जो दो टर्म्स हैं उनमें से -4 कॉमन लेने के बाद हमारे पास टर्म बन जाएगी y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं कि इधर भी y माइनस 8 है और यहाँ भी y माइनस 8 है, तो ये यहाँ से कॉमन ले लिया जाएगा। तो बाकी क्या बचेगा, y माइनस 8, y माइनस 4, ये y और ये 4 इज इक्वल टू 0। अब या तो y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 है या फिर y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है। अगर y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि y इज इक्वल टू 8, और y को हमने क्या नाम दिया हुआ है, y इज इक्वल टू है 2^x। तो यही फैक्टर हम यहाँ पे रिप्लेस कर लेंगे, 2^x इज इक्वल टू 8। अब जो 8 है इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं 2 की पावर में, 2^x और 2^3 8 के इक्वल आता है। तो अगर बेसिस बराबर हैं तो इसका मतलब है कि इसके एक्सपोनेंट भी इक्वल होंगे, तो इट मींस कि x इज इक्वल टू 3 आ गया। इसी तरह से अगर y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है तो इस मीन के y इज इक्वल टू 4 और 2^x इज इक्वल टू 4। 2^x और 2 को भी कॉम्पोनेंट एक्सपोनेंट में लिखा जा सकता है, 2^2
बेसल बराबर है, इट मीन्स कि इसके एक्सपोनेंट भी इक्वल आएंगे, तो यहाँ पे सोल्यूशन क्या मिला हमें, एक्स इक्वल टू टू। सो देयरफॉर इसका सोल्यूशन क्या बन जाएगा, थ्री और टू।